हेलो गाइस, क्या आप एक यूट्यूबर और यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो और उसके बाद भी आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं? आप अच्छा कंटेंट भी बना रहे हो, आप सारी चीज़ें ठीक से कर रहे हो, आप टैग्स लगा रहे हो, आप टाइटल भी अच्छा दे रहे हो, अच्छा थंबनेल लगा रहे हो, उसके बाद भी आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं? तो हो सकता है आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो अपने वीडियो को अपलोड करते टाइम जो कि आपके चैनल को बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने दे रही, क्योंकि गाइज YouTube पर वीडियोस अपलोड करना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसी गलतियां हमेशा कर देते हैं अपनी वीडियो अपलोडिंग के टाइम, जिसकी वजह से उनकी वीडियो रैंक नहीं होती, उनकी वीडियो YouTube कभी सजेस्ट नहीं करता है और जिस वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं कर पाता, उनको व्यूज़ नहीं मिल पाते, उनके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते और फिर उन लोगों को लगता है कि यार मैं सभी चीज़ें ठीक से कर रहा हूँ फिर भी मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गाइज वीडियो अपलोड करते टाइम आप जो गलतियां करते हो उनकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाता है। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं गलतियों के बारे में कि क्या क्या आप गलती करते हो अपने चैनल की वीडियोज़ को अपलोड करते टाइम, और गाइज अगर अभी भी आप उन गलतियों को सुधार लेते हो तो डेफिनेटली आपका चैनल जो है ग्रो कर जाएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइज वीडियो एडिट करने से लेकर रेंडर करने से लेकर वीडियोस को अपलोड करने तक सभी प्रोसेस मिला के आपकी वीडियोस को रैंक किया जाता है। अब आप बोलोगे कि यार वीडियो एडिट करने और रेंडर करने से क्या मतलब है? तो भाई सबसे पहली गलती जो लोग ये करते हैं कि अपनी वीडियो की क्वालिटी नहीं देखते हैं। गाइज बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते हैं कि आप यूट्यूब पर आ सकते हो, क्वालिटी मैटर नहीं करती है, बट गाइज मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्वालिटी मैटर करती है। गाइज यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब के जो बोर्ड्स हैं, वो जो हाई रजिस्ट्रेशन वाली वीडियोज़ होती हैं उनको जल्दी प्रमोट करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा और ये आपने खुद भी देखा होगा। सो गाइज अगर आप अपनी वीडियोस को 1080p या उससे ऊपर बना रहे हो 2K या 4K में, तो आपकी वीडियोस को जल्दी प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे व्यूवर्स क्या करते हैं, अपनी वीडियोस को 720p पर बनाते हैं या फिर फास्ट प्रोसेसिंग के लिए वो 720p पर ही अपनी वीडियोस को रेंडर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा डाटा ना खर्च हो और उनकी वीडियोस जल्दी अपलोड हो जाए। बट गाइज आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने कैमरे के हाई रेजोल्यूशन को यूज़ करना है, जो भी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, यानी अगर आप 1080p सपोर्ट करते हैं आपका फोन तो आप 1080p पर ही वीडियोस बनाइए, और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस बना रहे हो तो 1080p पर एक्सपोर्ट करिए तभी आप उन वीडियोस को अपलोड करिए यूट्यूब पर। अगर गाइस आज के टाइम पर आप 1080 या फिर उससे कम की वीडियोस को बनाते हो तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो कि क्वालिटी मैटर करती है, तो आपको पता होगा यूट्यूब का एक प्रोग्राम होता है जो कि होता है क्रिएटर ऑन द राइज। सो गाइस आपने जब भी देखा होगा क्रिएटर ऑन द राइज में उसी चैनल को लगाया जाता है जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है, उसकी वीडियो पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं मैटर नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर वाले जो चैनल्स होते हैं उनको भी क्रिएटर ऑन द राइज पे लगा दिया जाता है, बट अगर हम उनकी क्वालिटी को खोल के देखोगे तो आपने देखा होगा वो DSLR यूज़ करते हैं या फिर उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है उनकी वीडियोस की। तो गाइस हमेशा आपको क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, यानी 1080p या फिर उससे ऊपर आपको क्वालिटी देनी है, जिसके मैंने आपको बता दिया। गाइज सेकंड नंबर जो गलती होती है वो ये होती है कि गाइज जब भी आप अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हो तो आप किसी भी नाम पर एक्सपोर्ट कर देते हो और इसके बाद उसी वीडियो को अपलोड करते हो, देन आप उसका टाइटल चेंज करते हो और वीडियो अपलोड हो जाती है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी गलती है जो कि मोस्टली हर एक यूट्यूबर करता है, नया यूट्यूबर, और इस वजह से आपके चैनल पे जो वीडियोस हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। गाइस हमेशा आपको क्या करना है कि जब भी आप अपनी वीडियोस को रेंडर करें, चाहे आप फोन में अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं या फिर आप PC पर एडिट करें, हमेशा जब भी आप रेंडर करें तो रेंडर करने से पहले आप उसके नेम को चेंज करें या फिर रेंडर होने के बाद भी जब आपकी वो आपकी गैलरी में सेव होती है या फिर आपके फाइल मैनेजर पर सेव होती है आपकी वीडियो, तो उसके जाकर रीनेम करें, और रीनेम में आपको वही नेम देना है जो भी आप वीडियो का टाइटल देना चाहते हैं या फिर आप कुछ ऐसा कीवर्ड रख लें जिस पे आप अपनी वीडियोस को रैंक कराना चाहते हैं। गाइस इससे होता क्या है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम कुछ इस तरह का है, यूट्यूब के बोर्ड्स कुछ इस तरह काम करते हैं कि वो आपकी वीडियो को आपकी रॉ फाइल से मैच करते हैं, उसके टाइटल को मैच करते हैं, देन आपकी वीडियोस को जो है रैंक कराया जाता है। तो गाइस अगर आपका वीडियो जो है जो आपने यूट्यूब पर अपलोड किया है उसका जो रॉ फाइल है, यानी जो आपके फ़ोन पर पड़ा हुआ है, उसका जो नेम है वो टाइटल है जो वो अगर मैच नहीं होगा तो डेफिनेटली ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और गाइस यकीन मानिए ये मैंने किया था, मैं पहले ऐसे ही वीडियोस अपलोड कर देता था, बट जब से मैंने ये करना चालू किया, यानी मैं शुरुआती डेट्स की बात बता रहा हूँ, जब मैंने ये करना चालू किया, यानी जब मैं वीडियो रेंडर करता था तो उसके नेम को मैं चेंज कर देता था YouTube टाइटल से जो भी मैं रखना चाहता था, और उसके बाद मैं वीडियोस को अपलोड करता था उसी टाइटल पे, तो गाइस डेफिनेटली आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे और YouTube आपकी वीडियोस को रिकमेंडेड वीडियो में डालना शुरू कर देगा। सो गाइस सेकंड नंबर चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी वीडियोस को एडिट करें तो उसके टाइटल को चेंज कर दें उस टाइटल से जो भी आप अपनी वीडियो के अपलोड करते समय उसके टाइटल में रखना चाहते हैं। तो गाइस ये हो गई दो बातें। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, वो ये है कि आपको कभी भी अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को यूट्यूब एप्लीकेशन से अपलोड
एडिट नहीं करना है। गाइज आपने से बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो अपने चैनल को कभी गूगल क्रोम पर खोलते ही नहीं है, जस्ट यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करते हैं वहीं से ही जो है अपनी वीडियोस को अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको यूट्यूब एप्लीकेशन से अपनी वीडियोस को कभी भी अपलोड नहीं करना है। गाइज ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी वीडियो डेफिनेटली कभी भी रैंक नहीं करेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो गलती आप लोग करते हो। सो गाइज जब भी आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो तो आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स और थंबनेल चारों चीज़ें आपको उसी वक्त अपलोड कर देनी है जब भी आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हो। गाइस प्रोसेसिंग होने से पहले पहले सभी काम आपको कर देने हैं, और अगर आप ये काम प्रोसेसिंग होने के बाद करते हो तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ना ही आपके टैग रैंक करेंगे, ना ही आपका डिस्क्रिप्शन कोई भी मायने रखता है। आपको हमेशा यही करना है कि जब भी आपकी वीडियो प्रोसेस हो रही हो उससे पहले पहले आपको थंबनेल, आपको टाइटल, आपको डिस्क्रिप्शन और आपको टैग्स सभी चीज़ें ऐड कर देनी है अपनी वीडियो में। अगर आप ये सभी चीज़ें ऐड कर देते हो अपनी वीडियो में तो वो लिंक हो जाती है, वो मर्ज हो जाती है प्रोसेसिंग के टाइम पर, और उसके बाद यूट्यूब एल्गोरिदम आपकी वीडियोज को रैंक करना शुरू कर देता है। और कई सारे लोग गलती ये करते हैं, अपनी वीडियो को अपलोड कर लेते हैं, देन शेड्यूल कर देते हैं, उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो पर जाते हैं, देन टाइटल वगैरह टैग्स वगैरह चेंज कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वीडियो जो है कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी। सो गाइस ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने आपको बताई, और डेफिनेटली आप इनमें से कोई ना कोई गलती ज़रूर करते होगे, और आप जो गलती करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप इनमें से कौन सी गलती करते हो, और होपफुली आप इन गलतियों को सुधार लोगे तो आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा डेफिनेटली, जिस तरह से मेरा हुआ उस तरह से आपका भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे आने वाले हर एक नई वीडियो का।